इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जाने इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा होस्ट साइड से कि वो अपना अपना परिचय वहां से शुरू होंगे। आप सभी होस्ट में हैं, इधर सब गेस्ट हैं, तो परिचय शुरू करें। और बैठ के बोल सकते हैं। हाँ, ये मैं रवि अकूत वैज्ञानिक हूँ, समाज और धर्म को आवश्यक मानता हूँ, व्यक्ति के उत्थान के लिए, सभी के समूह में रहने के लिए, क्योंकि धर्म नियम को मैं नवाब सिंह और मैं BHNL से एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ 2014 में। और हमारी एक संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण संगठन विकासपुरी, जो पिछले 30-32 साल से कार्यरत है। उसमें हमने एक प्रज्ञा बुद्धविहार भी बनाया हुआ, अब हमने उसमें 2 मंजिल की बिल्डिंग भी बनाई है। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और सोशल टीजीएस कामों में लगा हुआ हूँ। जहाँ भी दिल्ली में जो भी जिसकी संस्था की होती है तो मैं वहाँ जाता हूँ और जो भी सहयोग होता है जैसा कि ऊर्जा मंत्रालय से अनुभव अधिकारी 2011 में रिटायर हुआ हूँ और जो हमारे महापुरुषों के रास्ते बताए हुए हैं उनका अनुसरण करते हुए मैं समाज को जागृत करने की कोशिश करता हूं। और ये समझता हूं जब तक समाज जो है जागृत नहीं होगा उस समय तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे, उस संगठित नहीं हो पाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब लोग ने ये निश्चय किया कि समाज के जो अगुआ लोग हैं, लीडर हैं, उनको एक साथ बैठा करके और एक इस तरह की लीडरशिप तैयार की जाए ताकि भविष्य में वो नीति निर्धारक और मार्गदर्शक का काम कर सके। सभी को मेरा जय भीम। मैं मधु भारती दिल्ली द्वारका से हूँ और सरकारी स्कूल में एज अ PGT हिंदी लेक्चरर के रूप में काम करती हूँ। और धर्म और समाज में जहाँ कहीं भी कोई थोड़ी सी भी सुखबुगाहट होती है, जरा सी भी कोई चिंगारी होती है, तो मेरा रहता है कि किसी तरह उसमें शामिल हो पाऊँ। तो आप लोगों के बीच हूँ आज इसीलिए कि चाहते हैं समाज में आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो उसका एक कलेक्टिव रिजल्ट आए, उसी प्रयास में यहाँ पर हूँ। सभी को जय भीम नमोबुद्धाय। मेरा नाम अशोक नरवाल है और बेसिकली सोनीपत से हूँ और लगभग 35 वर्षों से फरीदाबाद में रह रहा हूँ और BTech मैकेनिकल हूँ और MBA इंटरनेशनल बिजनेस
और MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट और फॉर्मर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट MD यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर रहा मैं, और देश की लगभग सारी संस्थाओं से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, और एक कम्बैट क्राइम ऑफिसर क्लब ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, 6 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जिसका कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, और उसमें लगभग देश की सारी जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके या तो प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं या उनके सेक्रेटरी हैं, तो देश की सारी एसोसिएशनों के लोग उसमें शामिल हैं, और देश के सारे ही जितने भी डेजिग्नेशन है पूरे कंट्री में, मतलब मिडल लेवल से लेकर टॉप मोस्ट ऑफिसर कंट्री के सारे हैं, सारी सर्विसेज के हैं, और उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बिहाइंड ये है कि पूरे देश की सारी संस्थाएं एक हों, और जो देश के बड़े अधिकारी हैं उनके मन में भी जो अलग थलग पड़ गए उनके मन में भी बाबा साहब के विजन के प्रति थोड़ी भावना पैदा की जाए, और जो संस्थाएं चला रहे महान लोग उन महान लोगों के थ्रू, ये एक छोटा सा प्रयास है, और उसमें संस्था में ग्रुप में लगभग 1500 अधिकारी हैं पूरे देश के, जिसमें से 800 ग्रुप ए ऑफिसर हैं, बाकी कम से कम 300-400 और ग्रुप बी गजटेड ऑफिसर हैं, बाकी और अदर सर्विसेज के लोग भी हैं, मतलब बैंकिंग के हैं या एडवोकेट्स वगैरह हैं, तो कोशिश है कि समाज के लिए जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भावना पैदा की जाए। अगर भावना, मेरा उद्देश्य यह था इसके पीछे कि अगर हम बड़े लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर सके हम अपने गरीब लोगों के लिए, तो वो लोग जो उनके अंदर अगर भावना पैदा होगी तो उससे बड़ी कोई क्रांति मतलब हो नहीं सकती, अगर वो उनके अंदर सबके अंदर भावना पैदा हो जाए तो। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं गौतम कुमार हूँ, मूल रूप से अयोध्या फैजाबाद का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत हूँ, इस समय लखनऊ में पहुंचा। मैं मूलतः बामसेफ मानवर तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब के ग्रुप से का कैडर हूँ, 1994 में मैं बामसेफ में आया था, उसके बाद लाल मुद्दा क्लब में डॉक्टर विकास साहब थे उसमें भी काम किया, फिर बाम से बाम मिश्रांत साहब की रात भी काम किया, और पत्नी चुनाव भी लड़ी विधानसभा का, वर्तमान में ये पीड़ा है हमको भी कि हम लोग बहुत से संगठनों में बढ़ गए और अब मिशन हमारा जो बाबा साहब का मिशन है वो बहुत पीछे है। सुधीर जी से फेसबुक पे बात होती रहती थी, मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा मैं भी आना चाहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। बहुत दल से भी जुड़ा हूँ, मैंने दीक्षा भी लिया है 2005 में, तो समाज की जो समस्या है उससे मैं भी अवगत होना चाहता हूँ और हेल्प करना चाहता हूँ इसी उद्देश्य के साथ आज की मीटिंग में। धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम श्री प्रिय गौतम है और मैं डायरेक्टर हूँ दूर संचार विभाग में कार्यरत हूँ। सो मैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ और ना ही किसी से, मतलब मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बेसिकली आप मेरे को बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक आम आदमी की हैसियत से हूँ, लीड अ पीपल का जो ग्रुप बनाया है उसमें जो एक कॉमन मैन होता है जो सिर्फ देखता है कि जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं। सो हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं बट हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम वोट करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है। मेरी कोई सोशल हम सोशली एक्टिव है बट कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरी, बट जो लोग एक्टिव है उसमें हम लोग सोशली और इकोनॉमिकली वो किस तरीके से कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं वो सब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो पढ़े लिखे समाज से आते हैं तो उसको सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से मेरा कोई रिलीजियस मूवमेंट ही नहीं है, मैं किसी रिलीजियस मूवमेंट को चलाता नहीं हूँ, बट मैं बुद्ध की टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई साइंटिफिक धर्म नहीं है, इसलिए मैं उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसी के साथ मैं अब बाबा साहब अम्बेडकर की जब मैंने टीचिंग जब उनकी थॉट्स को पढ़ा और किताबों को पढ़ा तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और भी हमारे जैसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, टेरियर साहब हुए और
पेरियड साफ हुए और बाबा फूले साफ हुए और उसके लीडर्स हैं तो हम रिकॉर्ड को फॉलो करते हैं। तो हम मॉनिटरली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे पास आते हैं और देखते हैं मॉनिटरली कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर उनको कोई आइडिया चाहिए, थॉट प्रोसेस चाहिए, उसके बारे में अगर उनको कुछ पूछना होता है, हम उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिजिकल वर्क अगर उनको कुछ चाहिए, उसमें भी हमने कंट्रीब्यूट किया है। और मैंने पर्सनली दो तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को खुद मॉनिटरिंग में अभी भी कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। बट आज जैसे शुरुआत में हुई कि आज का टाइम है जो समाज में जो तनाव है वो बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो इसीलिए अब लोग हम लोग भी सब देख रहे हैं कि वो क्या रहा है। तो उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो अवर हर्ट राइज, हमारा इधर होता है जब हम देखते हैं कि 70 साल के बाद भी हम आज की डेट में वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना है, हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो नहीं कर पा रहे। और इसका एक ही कारण मेरे को दिखाई देता है, वो ये है कि हमारे जो लीडर्स ओपन लीडर्स है उसके अंदर यूनिटी की कमी है। वो सब लोग अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, उनमें से तीन तरह के लीडर्स मेरे को दिखाई देते हैं। एक वो लीडर है जो जिन्होंने काम तो जमीनी स्तर से किया मगर वो कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए या वो खुद हो गए। दूसरे वो लीडर हैं जो कि प्लांट किए गए ऊपर से, वो प्लांटिक लीडर्स हैं। और इसे बेसिकली हम तो देख रहे हैं कि हमें किसको मॉनिटरली सपोर्ट करना है, किसको बेसिक वो करना है। तो ये आज जब मेरे को बताया गया कि मीरा पीपल करके इस तरह से एक चीज कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा और मैंने सोचा इसको अटेंड करने से इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी टू सी कि हमारे लीडर्स क्या इसमें डायरेक्शन देंगे। बिकॉज हम कुछ लीड नहीं करना चाहते बट हम उनको सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप किसी एक कम्युनल एक किसी डायरेक्शन में आए और इसका कारण बताएं और कुछ बताएं रास्ता कि कैसे मिलके काम किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट आरवी सिंह, रिटायर्ड में डिफेंस से हुआ, करीब 8 साल हो गए और 1978 जब बाम सेफ की स्थापना हुई थी तो महाराष्ट्र का था और तभी से उसका एक एक्टिव मेंबर के तौर पर काम कर रहा हूं। हमारे जो साथी थे आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी बड़े पोजीशन में हैं और हम भी अपनी बड़ी पोजीशन में हैं क्योंकि हम देश के आम नागरिक हैं। अगर हमारे सो कॉल्ड नेता लोग बड़े मानते हैं तो हम भी अपने आप को बड़ा मानते हैं क्योंकि लोग सब जानते हैं और मानते भी हैं कि नागरिक आम नागरिक बहुत बड़ा होता है, बहुत शक्ति होती है। तो ये 40-50 साल का जो दौर है उसमें बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे। जब देखता था कि एक भामसेफ थी कुछ दिनों तक एक रही, बहुत कुछ करके दिखा दिया। जो भामसेफ मूलतः जिससे बनाई गई थी आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि भाषण नंबर हो जाएगा, मैं भाषण नहीं देना चाह रहा हूं। तो तब तक कुछ फल मिला और जब बिखरी टुकड़ों में, जैसे आज हम और आप बैठे हैं, हम कहते हैं हम फलाना भामसेफ के, हम फलाना भामसेफ के हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब मैं कहता हूं मैं भामसेफ का था तो लोग मुझसे भी यही प्रश्न करते हैं कि कौन सी भामसेफ, तो मैं जवाब नहीं दे पाता। तो मैं यही कहता हूं कि वो भामसेफ जो 1978 में थी, आज मैं वही हूं। मुझे नहीं मालूम कितने टुकड़े हुए, मालूम सब है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता उसको गहराई में। तो चूंकि ये आपातकाल वाली पोजिशन हो गई आज, इसलिए हमने सोचा कि हम सब लोग आपसे मुखातिब हों, कुछ डिस्कस करें। और तब से मेरी इच्छा यही रहती है कि हम क्या कर पाएंगे। आम नागरिक तो हैं, बहुत बड़ी ताकत भी हैं, बहुत बड़े आदमी भी हैं, तो समझ में आया कि एक काम है हमारे पास जिसके के रूप में आज हम आप सब आपके एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यही एक जरिया है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो हम कर ही रहे हैं, नतीजा सामने है और वाकई हम प्रबुद्ध हैं। तो नतीजा लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसी संकल्प के लिए हम बैठे हैं। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं कहूँगा, आगे बहुत टाइम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम सुधीर दास सिंह है। मैं बचपन में जो हमारे पिताजी और कुछ एक ग्रुप में चार पांच लोग थे जो गांव-गांव जाया करते थे, उस समय बहुत ज्यादा अज्ञानता थी, तब मैं उनके साथ रहा करता था। बचपन से मैंने देखा है कि कैसे प्रचार होता है, कैसे हम गांव के लोगों अपने शहर के लोगों अपने कस्बे लोगों को सिखाते हैं, और वहीं से सारा सीखने के बाद लगभग दिल्ली और भारत के जितने भी अच्छे या खराब या जो भी संगठन रहे हैं, चाहे वो रामराज की दीक्षा है या हमने गोल्डन जुबली दीक्षा किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम अब तक का दिल्ली के अंदर कुछ अफसरों के साथ मिलके, या बामसेफ जितनी भी हैं, लगभग सभी का एक्सपीरियंस, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की लीडरशिप है या नेतागिरी है या जमीन का काम है या दरी बिछाने का काम है या राइटिंग का है, लगभग सभी से गुजरा हूँ। मगर सभी संगठनों में होते हुए भी किसी की पर्ची नहीं कटवाई, डोनेशन तो दिया, क्योंकि सबसे एक ही सवाल रहता था कि अगर सबको संगठित कर रहे हो तो क्या सब में सारे संगठन नहीं आते, इस सब में कुछ लोग आते हैं और सभी को आप रोकते क्यों? एक संगठन में जिस आदमी को आप दाखिल कर लेते हो उसको दूसरी जगह जाने से रोकते क्यों? क्या वो हमारा भाई नहीं है? क्या वो हमारे लोग नहीं है? ऐसे कैसे जीतोगे? इस सवाल के जवाब में होता ये था कि मुझे को बेदखल कर दिया गया हर जगह से, तो इसकी कोई चिंता नहीं रही क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो सबको साथ ही पड़ेगा। तो आज इधर जो पक्ष है वो सारा ऐसा पक्ष है जो बड़ा परेशान है, जो ये कहता है कि भाई अब आपातकाल है, इमरजेंसी है, अगर अब नहीं तो फिर तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, फिर तो कहने लायक नहीं बचेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। वैसे रोटी रोजी खाने के लिए मैं इंजीनियर हूँ और सारी इंजीनियरिंग सोशल में जाती है क्योंकि टेक्निकल इंजीनियरिंग तो लगभग खत्म सी है, और शायद जीवन पर्यंत यही काम है। तीसरी पीढ़ी का प्रचारक हूँ और चौथी पीढ़ी मेरा बेटा है, प्रोफेसर साहब उसको पढ़ाते हैं और उन्होंने तैयार कर दिया है उसको देश विदेश के लिए, क्योंकि वो उसको फ्रेंच भी सिखाते हैं, जर्मन भी सिखाते हैं, इंग्लिश भी सिखाते हैं, और उसे बाहर भेजने की तैयारी है ताकि वो डॉक्टर अम्बेडकर को बाहर तक पहुंचाए। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार उज्जैनवाल है, रक्षा मंत्रालय में सर्विस करता हूँ और 95 का कार्य करता हूँ। धन्यवाद। अनिल कुमार उज्जैनवाल, तिलक नगर, रक्षा मंत्रालय में सर्विस। अनिल कुमार उज्जैनवाल, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है उसके साथ बाल लगाता। हेलो साथियों, सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जितेंद्र के एडवोकेट धौलपुर से हूँ और सेशन कोर्ट धौलपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, और पिछले 15 सालों से बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ। NCDHR में काम किया है मैंने 7 साल और CDR में नेशनल कैंपन ऑन दलित ह्यूमन राइट, सेंटर फॉर दलित राइट, इसमें दिया है ह्यूमन राइट और वोमन राइट, SST एक्ट पर मैंने विशेष तौर पर काम किया है। धन्यवाद। हेलो साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, महापुरुषों को नमन करते हुए और उनके विचारों को नमन करते हुए मेरा नाम MS निवेश है, मैं रिटायर्ड मैनेजर सिंडिकेट बैंक आगरा, और मेरा जो हॉबी है वो फूले अम्बेडकरी विचारधारा के प्लेटफॉर्म को क्रिएटिव करने का है, और जो क्रूशियल स्थिति सिचुएशंस इस समय इंडिया में खड़ी हुई है जिसके लिए हमारे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और सामाजिक परिवर्तन, विचार परिवर्तन वो प्रायोरिटी लेवल पे है, और मेरी कोशिश है कि फर्म डिटरमाइन कि एनी हाउ इस समाज के लिए बचा हुआ जो शेष जीवन है उसको डेडिकेट करने की ये मेरी इच्छा है जब तक मैं जीवित हूँ। थैंक यू। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम गुलाब सिंह और ITI पूसा में मैं इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ, तिलक नगर में रहता हूँ और बामसेफ का एक्टिविस्ट हूँ। 87 से मान्यवर साहब के साथ काम किया मिशन में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए जो भी आंदोलन होता था उसमें साइकिल रैलियों पर मैं गया हूँ, और तभी से निरंतर बहुत सारे संगठनों से गुजरता हुआ अभी भी सामाजिक कार्य करता हूँ, और जहां भी जाता हूँ मिशन मूवमेंट की बात में लगा हुआ हूँ। धन्यवाद। ये बॉम्ब से कौन सा सवाल कर रहा है?
बता दिया करो ये मात्र परिचय है और जो होस्ट हैं ये परेशान व्यक्ति हैं, यानी मैं भी उनमें से, मैं यहाँ से सिर्फ देख रहा हूँ चीजों को, ठीक है। आपसे राय ली जाएगी, आपसे जानकारी ली जाएगी, आपके अनुभव लिए जाएंगे कि वास्तव में ये समाज किस तरह कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि कई स्तरों पे हम सफर कर रहे हैं। जो निचला स्तर है वहाँ सफर कर रहे हैं, जो हम में से सर्विस में आ गए वो सफर कर रहे हैं, सर्विस में जो सुपरवाइजरी लेवल में चले गए वो सफर कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल पर चले गए वो सफर कर रहे हैं। इसके बाद रिटायर होने के बाद क्या करना चाहिए लोगों को, वो भी नई दिशा मिल रही है। इन सब बातों पे आप सबकी राय लेंगे, क्योंकि आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं। यहाँ कोई संगठन या उस तरह से बुलाया, पता लिखने के लिए बुलाया गया है, आपकी सेवाओं को देखते हुए आपको सम्मानित व्यक्ति समझते हुए आपको बुलाया गया कि हम लोग भी आपसे कुछ सीख लें, कुछ चीजों को जान लें, ताकि आपके साथ सहयोग कर सकें, आप हमारे साथ सहयोग कर सकें, ये चीज है, ठीक है। तो डिफरेंसेस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। और मैं सतपाल सिंह, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत हूँ और ऑल इंडिया फेडरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और दिल्ली में ही मैं सर्विस करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सॉरी सर, इंटरवेंशन कर रहा हूँ। कौन सी बामसेप, ये सवाल पूरा करके कि आपके बामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा, ऐसे जान लीजिए। थोड़ा सवाल को चेंज कर लीजिए, बामसेप बामसेप। धन्यवाद। मैं हिम्मत सिंह और बहुजन आप बलग से ही हूँ, लेकिन इसके पहले मार्क्सिस्ट आंदोलन में भी था। लेकिन हम यहाँ ये तय नहीं करने आए हैं कि कौन कहाँ है क्या है, हम ये हल करने आए हैं या एक एजेंडा। थोड़ा इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा, आप गेस्ट में हैं। हाँ। तो होस्ट वालों का अभी परिचय हो रहा है। अच्छा अच्छा, जब हम गेस्ट की बात करेंगे तो आप उसके बाद बोलेंगे, अच्छा रहेगा। परेशान लोगों का परिचय, परेशान लोगों का परिचय, ये भेद नहीं करना चाहिए, परेशान दोनों से होस्ट की बात चाहिए। अच्छा। ये मैं विनोद राव, बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, और हमारी एक संस्था है बैक्सी, बहुजन बुद्धिस्ट एजुकेशन कल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष हूँ। विनोद राव। सभी महानुभावों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम विनोद निगम है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ, एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। आप महानुभावों से जो सीखता हूँ वो गली गली पहुंचाने का काम करता हूं, लेकिन सही तरीके से दशा दिशा ना मिलने के कारण भटक रहा हूं। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।
साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम। मुझे केडी राव कहते हैं। मैं परिवहन निगम में ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हूं लखनऊ में, और लखनऊ में वर्तमान आ रहा हूं। इसे होम डिस्ट्रिक्ट मेरा बस्ती पड़ता है, और विश्व बौद्ध महासंघ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। बामसेब माननीय कांतराम साहब के बामसेब है, उसमें मैं विधानसभा का भी संयोजक रहा, जिले का संयोजक रहा, और आज भी मिशन को आगे प्रचार प्रसार करने में विश्व बौद्ध महासंघ द्वारा कार्यक्रम माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है, और धर्म दीक्षा भी दिया रहा है जो बौद्ध धर्म ग्रहण करें, और सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है जिससे विश्व की जनगणना में अपना वो संख्या बल को बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। नमो बुद्धाय। भीम। मेरा नाम आर के गौद। मैं डीएससीएस के अंदर असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूँ, इसके साथ साथ समाज के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें कबीर आश्रम जन कल्याण परिषद राजनगर के अंदर एक संस्था है, उसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। भारतीय समाज बौद्ध महासभा अम्बेडकर भवन सचिव के पद पर, उसके लिए समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ। तीसरा भारतीय समाज निर्माण संघ है, जिसके अंदर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए समाज की सेवा कर रहा हूँ, इसके साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। बाबा साहब को पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो जिज्ञासा आई कि हमारे महापुरुषों ने कितनी दुख तकलीफें झेली हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, इसी से जागृत होकर, इसी से प्रभावित होकर मैंने समाज काम करने का निर्णय लिया। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। नाम श्याम प्रकाश, कार्यरत रक्षा मंत्रालय में, और मैं लक्ष्य समिति से जुड़ा हुआ हूँ, जो श्री खजराम सिंह है लखनऊ में, और लक्ष्य समिति में भी और अपना जो एक समाज सेवक के रूप में ही काम कर रहा हूँ। जय भीम। मैं डॉक्टर के एस